ध्यान दीजिएगा इस बार भैया, एकदम ध्यान देना भैया, एक बार युवा को मौका देना। पचपन सिलाई के लड़का है, बाकी पूर्व बदलाव जरूरी है चाची, तो खाई हालत हॉटसीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से कई चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में हैं। अभी हमारे साथ बांकीपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा है, सिने स्टार और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, जो चुनावी मैदान में यहाँ से। आइए हम लव सिन्हा से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला क्यों किया और उनकी चुनावी तैयारी कैसी है। लव, हमारे टाइम्स ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आपने जो सवाल पूछा, बहुत सवाल अच्छा सवाल पूछा। मेरा मानना है कि राजनीति में कोई उतरता है तो कुछ लोग होते हैं जिनके अलग कारण होते हैं, स्वार्थ के लिए उतरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, मेहनत करने आते हैं। मैं कहूँगा कि अगर मुझे राजनीति में उतरना तो मैं इसलिए उतरा क्योंकि मुझे, मैं मानता हूँ कर्तव्य। अगर जो आदमी 2009 से जुड़ा हुआ है, उसके पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है और मेहनत करते गया, मैंने टिकट नहीं मांगा, पार्टी ने सोचा कि चलिए ये मेहनती है, बाकी लोग भी अच्छे हैं, उन्होंने सोचा ये मेहनती है, देखते हैं कि इस बार इनको उतार के क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि जो हम आए हैं सामने, जो पिताजी का काम था उसको आगे ले जाने आए। चुनावी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि बहुत सी कई लोग मैदान में, काफ़ी चर्चा में है, कैसी चल रही है आपकी चुनावी तैयारी? अच्छी चल रही है। हर चुनाव तो कठिन होता ही, ऐसे अगर चुनाव को कोई आसान कहता तो मैं बोलूँगा वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो अच्छी चल रही है, मतलब हमारा काम जो हम कर, अंत में जो होगा, मेरा मानना है कि बिहार परिवार का आशीर्वाद है हमारे साथ, इसका बदलाव आएगा। मुद्दे क्या क्या है बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए? लक्ष्य जो भी मुझे पूछ रहा है, सिर्फ बांकीपुर के मुद्दे नहीं, पूरे बिहार के। हाँ, बेरोजगारी यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार कहती है ठीक है, उसके अलावा आप कहते हैं कि हम इस बार 24 घंटे बिजली देंगे, मैं घर पे बैठता बिजली चली जाती है, 15 साल में नहीं कर पाए, तो अभी अगले 5 साल में बोल कि हम करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र कम है, कोरोना काल में कभी कभी लगता है कोरोना है नहीं यहाँ पे, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर कोरोना काल है। अभी 2-3 बीजेपी नेताओं की खबर आ रही है कोरोना पॉजिटिव, नहीं तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि ठीक हो जाए, मतलब वो भाजपा के, इसका मतलब नहीं कि मेरे कुछ। हाँ, शाहनवाज जी को हो गया, सुना मैंने भी, मतलब बुरा तो लग रहा, मैं आशा ही करता हूँ बहुत जल्द वो ठीक हो जाए। तो पूछ रहे स्वास्थ्य केंद्र का मैं, और मेन चीज़ जो मैं मानता हूँ बिहार में, बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाना है, युवा को साथ देना, और उसके अलावा शिक्षा, शिक्षा की मतलब जो शिक्षालय यहाँ पे है या जो टीचर्स की जो कमी है उसको बढ़ाना होगा, और ये सब सिर्फ बांकीपुर में नहीं पूरे बिहार में। लव सिन्हा बांकीपुर सीट इतनी बड़ी लड़ाई में कैसे निकाल पाएंगे? जैसे मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि बिहार परिवार का आशीर्वाद है मेरे साथ, मैं एक नया आदमी हूँ, नई सोच है, प्रगतिशील सोच है, एकदम पारदर्शिता के साथ काम करता हूँ, कुछ छुपानी है, जो सामने आपके हूँ, जो सामने है वही है, मानता हूँ ये जनता इसको देखेगी और स्वीकार करेगी। एक बात जो कही जा रही है कि लव सिन्हा पटना में नहीं रहते हैं, चुनाव जीतेंगे तो भी पटना में दिखाई नहीं देंगे, जनता के बीच नहीं होंगे, ऐसे में लव सिन्हा क्या कहना चाहेंगे ऐसी बातें करने वाले? जब कुछ और है नहीं कहने के लिए और क्या कहेगा सामने वाला हमारे बारे में, हमारे ऊपर और कुछ आरोप तो लगा नहीं सकते, हम क्यों नहीं रहेंगे, हमको ही सामना करना होगा ना। अगर हम नहीं रहेंगे, पूछेंगे लोग कि काहे दिया इनको वोट, हटाइए इनको, निकालिए इनको। ये मैं चाहूँगा कि अगर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लूँ, मुझे बनाया गया विधायक, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा, ये गलत होगा ना, मतलब यहीं पर रहना, यहीं पर काम करना, और क्या करें। इतना उठा पाए मेरे ऊपर कि आपने तो बोला था ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया। तो जब हम ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी, इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि अभी 15 साल हो गए, जैसे
यशवंत सिन्हा जी ने एक अच्छा स्लोगन निकाला था कि 15 साल बुरा हाल। तो पहले जब सरकार बनी थी हम सबको उम्मीद थी कि बहुत कुछ बदलेगा, यहाँ पे बहुत सुधार आएगी, पर पहले हुआ थोड़ा, हम ये भी नहीं झूठ बोले कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे ना समस्या बिगड़ती गई। जैसे अगर मैं आपको एक स्टेटिस्टिक दूंगा तो 2019 में महिला अपराध 18,000 से बढ़ गए। मतलब कि क्यों बढ़ा, जब कह रहे कि एकदम मामला सुधर गए, ये आंकड़ा ये स्टेटिस्टिक इतना बढ़ गया। उसके अलावा मैं आपको कहता हूँ कि बिहार में आमदनी गरीब आदमी के मजदूर की आमदनी है 300 रुपये, दूसरे स्टेट में क्या केरल में है 1500 रुपये, तेलंगाना में है 1200 रुपये। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं हवा से नहीं ये चीज़ें निकाल रहा, ये स्टडी सरकार की स्टडी है, केंद्र सरकार की स्टडी से ये सब इन्फॉर्मेशन मिली हमें। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्यों है कि हमारे राज्य में, ऐसे तो नहीं कि हमारे राज्य में योग्य लोग नहीं, काबिल है, मेहनती है, दिमाग है, सोच समझ है, पर क्यों ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम हमें फेल कर जाता है। क्योंकि जब शिक्षा नहीं ठीक नहीं तो बच्चा पढ़ेगा क्या, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं ठीक से तो काम कैसे करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा तो भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा राज्य का। स्वास्थ्य के कारण हमें टिकट मिलता तो हम लोकसभा चुनाव में ही उतरते और पटना साहिब सीट के लिए ही उतरते। मैं वंशवाद में विश्वास नहीं करता हूँ, ना तो फिल्मों में ना तो राजनीति में। यहाँ पे और एक और चीज़ है, हंसी आती है इस बात पे भी कि दूसरे प्रत्याशी अच्छे आदमी है और उनका तो सच में वंशवाद का मामला है यहाँ पे, क्योंकि एक विरासत का टिकट है वो, हमारी विरासत नहीं है। बांकीपुर पहले उनके पिताजी थे और अब नितिन नवीन जी का, तो मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा उनके बारे में, सिर्फ जो फैक्ट्स है वही सामने पेश कर रहा हूँ। आगे ले जाना बहुत कठिन होता है, राजनीतिक गुर आपने क्या दिए, टिप्स क्या दिए? टिप्स उसके पापा ने उसको दिए हैं, क्योंकि लव हमेशा अपने पापा के साथ जुड़े रहे हैं। 2009 से पापा का साथ देते आए हैं, हर इलेक्शन में उनके साथ गए हैं, उनके लिए कैंपेनिंग की है और बहुत नज़दीकी से उसने देखा है इस माहौल को। तो मुझे लगता है अब उसे लगा कि अब मैं तैयार हूँ और मुझे अब कुछ करना चाहिए, और स्पेशली अपने बिहार के लिए, अपने स्टेट के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इंटेंशन अच्छे हैं और सोच है लोगों को, मतलब अच्छी एक अच्छी स्टेट देने की, तो इसलिए इसने सोचा कि अब वक्त आ गया है, अब मैं भी आ जाऊँ मैदान में। मैदान में उतर चुके हैं लव और लव सिन्हा से हमारी बातचीत होगी, जो कि कांग्रेस के सीट से, बांकीपुर विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। लव, वही सवाल मेरा आपसे शुरुआत में होगा, स्वागत है आपका, कि बिहार में कई सारी समस्याएं हैं, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है बॉलीवुड से लेकर के राजनीति करता रहा है, आपके माता पिता दोनों की राजनीति है, मुख्य रूप से रहे, आपको क्या लगता है अब आप तैयार हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि अब आप चुनावी दंगल में कूदें, लोगों की बातें सुनें, विकास की तरफ आगे बढ़े, राजनीति करना बहुत कठिन भी होता है? अब सही कह रहे हैं, राजनीति करना कठिन है, तो मेरा मानना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी एक सोच है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सही नहीं है तो मत जाइए उस दिशा में, उस तरफ मत जाइए, क्योंकि ना तो आप साबित कर दें कि आप वो नहीं कर सकते, और आपको पता है कि आप कुछ कर सकते तो सामने जाइए, क्योंकि अगर आप सामने नहीं जाएंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। आपने जो पूछा बिहार के बारे में, मेरी माता जी से आपने पूछा, मेरा मानना है कि बिहार एक समय पर, हम सब जानते हैं बिहार क्या था, हम मतलब बात करते चंद्रगुप्त मौर्य जी की या उनके पहले भी, उनके साथ अलग राजाओं की भी बात करते हैं, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि बिफोर ब्रिटिशर्स केम, हम सब जानते हैं बिहार कैसा राज्य था, पर उसके बाद थोड़ी लंबी बात है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सरकार के जो निर्णय थे, जो भी सरकार थी, जैसे अगर ट्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी हो, फिर जब ज़मींदारी हटाने की कोशिश की, उसका भी जो मतलब एक ठीक तरीके से जो नहीं किया गया हो, उससे नुकसान तब भी हुआ, मतलब कि गरीब आदमी, आपने ज़मीन तो कह दी कि मतलब ठीक है अभी ज़मींदारी सिस्टम नहीं रहेगा, पर उसके बाद जो हुआ आपने उसके बारे में ध्यान दिया, वो भी एक कारण है कि बिहार मतलब गिरते गया। जैसे हम सब जानते हैं बिहार डेवलपमेंट इंडेक्स में लोअर स्टेट आता है, और ये अभी नहीं आ रहा है, 27 साल से आ रहा है, तो ये सब तो मतलब कहते हैं थोड़े, अब ये तो पुरानी बात हुई, लेकिन अब आपको क्या कारण लगता है नीतीश कुमार जो कि 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में किन कामों की दिशा में बात ही नहीं हुई, कौन सी वो कमियां नजर आई, आपको लगता है कि अभी भी पिछड़ा राज्य जी? भाई बहुत अच्छी बात है, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि जब नीतीश जी आए थे हम सब सोच रहे थे कि नई शुरुआत है, हम सब के मन में कुछ
इच्छा थी, आशाएं थी, उम्मीदें थी। जो शुरुआत में कुछ चीज़ें तो बदली, बहुत कुछ पता नहीं, नहीं कहूँगा कि सब कुछ खराब था। गाड़ी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाती थी, डीरेल हो गई, मतलब बुरी तरह डीरेल। मुझे दुख होता है इस बात के बारे में, मुझे मतलब इस बात की खुशी नहीं। जनता को आगे लाना चाहिए, आपको उनको जो सुविधाएं नहीं है उनका, जो आपको उनके लिए तैयार करने के लिए देना चाहिए। तो वही है कि मतलब अगर मैं एक बार उतरा तो किस लिए उतनी देना चाहूँगी। लेकिन लव, आपके सामने ये सवाल कई बार आया होगा, मैं कोई नया सवाल नहीं पूछ रही हूँ। आपके ऊपर बाहरी होने का आरोप लगता है कि आप बिहार में बापू विधानसभा सीट को अच्छे से आप जानते भी नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, लोगों कैसे कनेक्ट करेंगे आपको क्यों? पहले पता भी नहीं होगा, जब मैं कब आता हूँ तब जाता हूँ। मैं तो उनको इनविटेशन नहीं भेजता कि भैया आप आ रहे हैं पटना, आ जाए, स्वीकार कीजिए हमारा एयरपोर्ट पर। उसके अलावा जो कोई कहता है बाहरी, तो मेरा मानना है कि अगर ये सोच हम नहीं बदलेंगे तो बिहार का भविष्य, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो बिहारी यहाँ से जाऊँ उसको भी आप बाहरी कहेंगे एक समय तक, जो बिहार का नाम रोशन करना था। फिर मेरे पिताजी को भी बाहरी कह रहे हैं कि मेरे बिहार पिताजी पैदा हुए। लेकिन लोग ये कहते हैं, देखिए बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हाजिर होते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाए हैं। अभी आप आए हैं तो लगातार चुनावी कैंपेन में जुटे हो, कैसे आप ये उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? चलिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। उस वक्त फर्क क्या था कि हम सामने आके बोल नहीं सकते थे। मैं तो कहता था, मतलब कि अगर नुक्कड़ सभा हो वहाँ पे कहता था, आपके सामने नहीं कहता था। यहाँ पे नाले इतने खराब हैं, मतलब कवर नहीं है, पानी फ्लडिंग का फ्लडिंग की समस्या, जल जमाव की समस्या है। उसके अलावा मतलब कि अगर छोटा क्लिनिक भी वहाँ पे मिल जाए तो मैं तो मानूंगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, कि जब कोई बीमार होता है पता भी नहीं कि इलाज हो पाता नहीं हो पाता। तो ये सब समस्या पहले भी थी, अभी नहीं कि मैंने अभी ध्यान दिया तो मेरे सामने आ रही, तो वो क्या सवाल कुछ कहने के लिए है नहीं, तो यही आरोप लगा है। ये तो नहीं कहते कि मैं पैसा खाता हूँ, नहीं, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा अगर चलते हुए टहलते हुए बातचीत करें, आप सब कर रहे हैं तो क्या कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है आपको, कि नितिन नवीन को ये दोनों कैंडिडेट किस हद तक चुनौती देते हैं, क्योंकि नितिन नवीन का कॉन्फिडेंस हाई है, उनको लग रहा है कि ये दोनों हमारे अगले चले। बहुत अच्छी की सोच है, ठीक है, नियत साफ है ना, वो भी आए लंदन में छोड़ के यहाँ पे कुछ कर। तो मैं कहूँगा कि जितने अच्छे लोग आए पॉलिटिक्स में, कि चाहे वो विपक्षी दल से हो आपके पार्टी से हो, ये तो देश के लिए अच्छा ही होगा एक समय के लिए। अभी शुरुआत है उनकी, मेरी भी शुरुआत है, हम लोग आए। मैं तो मानूंगा जो आदमी करता है मैदान में ना, जहाँ पे आपको पता है कि टॉप फाइट है, उसी आदमी को लड़ा, आसान फाइट कोई नहीं लड़ रहा था। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक किस्म का मंथन होता है। आज लोग चाहते हैं कि यंग लोग आए, यूथ आए, जिसकी सोच प्रोग्रेसिव हो, रिग्रेसिव नहीं हो, जो एजुकेटेड हो, जो सोच से अपना काम करे, ना कि ये सोच के आए कि अब तो हम आ गए पॉलिटिक्स में, अब तो हमें बस सिर्फ पैसे कमाने हैं और आराम करना है, बाकी जनता जा बाट नहीं। लोग ये नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि अगर हमने आपको प्रतिनिधि अपना बनाया है तो आप हमारी देखभाल करें, आप हमको सुनाने। राजा का क्या काम है, जब राजा होते हैं तो अपनी प्रजा का सम्मान करते हैं। सिन्हा जी, समस्या यही है ना कि चुनाव के दौरान तो लोग वादे ही करते हैं कि हम आएंगे आपसे मिलेंगे, आपकी समस्या मतलब अगर जीतते हैं तो कितना समय यहाँ पर। मैं दोनों सवाल का जवाब दूँगा। पहले आपने कहा कि लोग बिहार में पूरे पटना पूरे बागपुर को बदल दूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो सकता है, जो भी एक MLA की कैपेसिटी होती है उसको मैं पूरी तरह कि यही सच। आप जितना ज़्यादा प्रॉमिस करें उतना ही ज़्यादा आप झूठे साबित करें। क्योंकि पहली बात है तेजस्वी जी और चिराग जी दोनों पहचान होगी, उन्होंने काम ही मेरी पहचान बनाया, और जब काम शुरू करूँगा तो उसी से मेरी पहचान बने। मैं मानता हूँ कि समय के साथ ये होगा, अभी तो एक शुरुआत है। अच्छा, आप सुबह से निकलते हैं अपने कैंपेन ट्रेन पे, लव अपनी तरफ निकलते हैं, मैं अपनी तरफ निकलती हूँ। रिस्पांस कैसा मिल रहा है, क्योंकि लोग आपको तो जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की वजह से, लेकिन बेटे जब चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो इनको भी सब उनकी वजह से जानते हैं। नहीं देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाइए दादा, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए।
इसके लिए जोर जोर करना पड़ेगा, जोर करना होगा, क्या जाएगा लता।